सो फाइनली अभी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे. आज हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा अबाउट बर्थडे कार्ड. तो कैसे बनाना है वो मैं पहले आपको दिखाती हूँ. तो यू विल फाइंड इंटरेस्टिंग टू डू दिस. सो हम इस तरीके से कार्ड बनाएंगे. एंड देखिए ग्रीन फ्लैग क्लिक करते हैं. मैंने बताया था ग्रीन फ्लैग का यूज. जैसे मैंने ये कार्ड बना लिया है तो आप देख सकते हैं ये साइज कलर चेंज हो रहा है, ग्लू कर रहा है और हमें थीम बैकड्रॉप मैंने बर्थडे के लिए, तो आज हम ये बनाएंगे. ओके सो है ना, मजा आ रहा है ना इसको देख के. तो अभी हम भी ये बना सकते हैं. तो अभी मैं आपको बताती हूँ इसको आपने कैसे बनाना है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो हम पहले क्रिएट करेंगे एंड क्रिएट में जाना है हमको एंड विल चूज वन न्यू फाइल और एक फाइल डिफॉल्ट दे दिया है. सो विल गोइंग टू चेंज. आज हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा बर्थडे रिलेटेड. तो बर्थडे कार्ड बनाएंगे हम लोग. ओके सो विल अभी हम स्टेप बाय स्टेप. तो आई वांट जूनियर सो टेक डाउन द नोटबुक एंड नोट डाउन द पॉइंट्स व्हिच आई एम टेलिंग गोइंग टू शेयर. सो डेट कि इनिशियली स्टेज पे आपको स्टेप्स कौन से किधर यूज होंगे वो आप नोट डाउन कर लो. एंड फिर उसके बाद एवरी डे हम नया नया सीखेंगे इसमें. तो आज हम कुछ लिटिल बिट स्टेप्स सीखेंगे एंड स्लोली स्लोली फिर हर स्टेप जैसे हमें याद हो जाएंगे फिर इजी कमांड आ जाएगा हमारे पास. तो मैंने नाम इधर दे दिया. जैसे मेरा टॉप मोस्ट में इसमें क्या यूज होता है, हमें जैसे हमारा ऑलरेडी प्लान है कि मैंने जैसे ऑलरेडी डिसाइड किया हम बर्थडे कार्ड से स्टार्ट करेंगे अपना पहला प्रोजेक्ट. तो पहले एक बर्थडे कार्ड हमने नाम दे दिया है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. तो मैंने जैसे ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मुझे बर्थडे कार्ड बनाना है. तो मैं पहले यहाँ पर पहले एक थीम चूज करूंगी लेफ्ट साइड राइट साइड में. तो राइट साइड में भी ऑलरेडी मुझे पता है कि मुझे बर्थडे थीम ही लेना है. तो आई विल चूज. तो मैंने यहाँ पर चूज कर लिया बैकड्रॉप. नाउ अब मैंने जैसे चूज कर लिया तो मैं चाहती हूँ केक, एक केक भी होना चाहिए बर्थडे का ये है थीम. तो लेट्स हैव सम केक. और मुझे कार्ड किसी को भेजना है हैप्पी कार्ड खुद से बना के म्यूजिक के साथ. सो विल यूज. तो मैं यहाँ पर जाऊंगी राइट साइड में चूज अ स्प्राइट पे क्लिक करूंगी और आई विल क्लिक ऑन फूड बिकॉज मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया कि मुझे अपने थीम में एक केक ऐड करना है. सो आई चूज. उससे पहले मैं यहाँ पर ये कैरेक्टर मुझे नहीं चाहिए तो आई कैन सिंपली क्लिक ओवर योर एंड आई कैन डिलीट दिस वे. सो मैंने केक को थोड़ा अपवर्ड रखा है सो दैट वी कैन मेक सम डिजाइन ओवर योर. अब अभी मुझे हैप्पी बर्थडे लिखना है. सो अभी मैं जाऊंगी चूज अ स्प्राइट में और लेटर्स में क्योंकि मेरा डिसाइडेड है मुझे क्या लिखना है, हैप्पी बर्थडे. सो मैंने ये लिया और इसको प्लेस कर दिया यहाँ पर. अब हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे. अब हम ब्लॉक डिस्क्रिप्शन जो ऑलरेडी है हमें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने स्क्रिप्ट एरिया में और परफॉर्म करने के लिए इसको कहना है. तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, इसका लुक्स चेंज करना है, मुझे कलर इफेक्ट्स देना है, साइज चेंज करना है. तो मैं जाऊंगी मेरे लेफ्ट साइड में. ओके किड्स, अभी लेफ्ट साइड में जाने के बाद मुझे क्या चेंज करना है, कौन सा पर्पल में लुक्स में जाना है. और लुक्स में यहाँ पर चेंज साइज बाय 10. ओके चेंज साइज बाय 2. अब जो साइज में बढ़ेगा वही साइज में आई वांट कि वो नॉर्मल हो जाए क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज लेना है हमें अपने इसमें. एंड यू विल सी कैसा होगा. जैसे देखिए एक सिंपल दिखाती हूँ सैंपल आपको. यहाँ पर मैं इसका साइज इंक्रीज कर रही हूँ बट अभी इधर से भी करूंगी तो वही होगा. तो मैं इसको माइनस, अब मैं इसको माइनस दे दूंगी यहाँ पर बिगनिंग में तो इसका साइज नॉर्मल जो है उसमें ही आ जाएगा. तो यहाँ पर 110 है, मुझे 100 में ही रखना है. तो आई जस्ट तो इसलिए मुझे यहाँ माइनस, इसलिए दोनों चीज यहाँ पर यूज होगी. तो हमें साइज अगर जो साइज में ग्लोब होगा वही साइज में वापस रिटर्न होना चाहिए, ऐसा मेरा थीम है. अब मैं चाहती हूँ इसमें कलर इफेक्ट भी चेंज हो. अब इसे कलर देखिए, अगर मुझे एक डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देने हैं तो आई कैन यूज चेंज कलर इफेक्ट बाय 25. इसमें आप जितना बड़ा नंबर देंगे तो उतनी स्पीड में ये कलर चेंज करेगा. वो भी हम देख लेते हैं एक बार. मैंने 50 का दिया है सो योर यू कैन सी. सो अब वो आपको ज्यादा डिफरेंस दिखेगा जब मैं इसको फॉरएवर एक कमांड दे दूंगी. सो विल डू दैट. अब जैसे कि अब हम जाएंगे इवेंट. सबसे इम्पॉर्टेंट है हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे हमारी स्क्रिप्टिंग अगर रेडी हो गई तो हमें व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक तो वो पिक्चर प्ले करने लगेगा. तो पहले हमने डिसाइड कर लिया कि चेंज बाय साइज करना है, कलर चेंज करना है. तो हमें इसको साउंड भी चाहिए, वो हम लोग केक में डाल देंगे सो इट विल प्ले. तो हम जाएंगे अभी
अब मैं चाहती हूँ साइज, अभी जब साइज बड़ा होगा तो उसको हमें ब्रेक भी देना होगा, क्योंकि अगर मैंने दोनों को क्लब कर दिया तो ये कमांड लेने में इसको समझ में नहीं आएगा कि इंक्रीज भी करना उसी टाइम डिक्रीज, तो इंस्टेंट हो जाएगा. आई नीड टू गिव सम स्पेस, तो मुझे यहाँ पर एक इनको इसको इंस्ट्रक्शन देना है, वेट फॉर वन सेकेंड. तो देखिए अभी कैसा हुआ, एंड नाउ ही अंडरस्टैंड कि मुझे बड़ा भी होना है और वापस वन सेकेंड के बाद नॉर्मल साइज में आना. मैं चाहती हूँ कि मेरा वो साइज 110 में गया तो वापस मुझे 100 में चाहिए. तो हम इसमें दो तीन और आइडिया हैं कैसे यूज करना, पर ये फर्स्ट वे हम सिंपली स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. एंड तो मैंने अभी सिंपली क्या दिया है कि साइज अगर 10 बाय इंक्रीज हो तो 1 सेकेंड के बाद वो नॉर्मल साइज में भी आ जाए, ग्लो होके और कलर भी चेंज हो जाए. सो मैं चाहती हूँ कि वेन ग्रीन फ्लैग, तो मैंने डिसाइड कर ले कलर चेंज होना है एंड उसमें साइज भी इंक्रीज. देखिए कलर भी चेंज हुआ, साइज नॉर्मल भी आ गया. अब मैं चाहती हूँ ये कंटिन्यू होता जाए, मतलब आई वॉन्ट इन कंटिन्यू कार्ड जैसे गिफ्ट का बनाते हैं, तो मैं चाहती हूँ मेरा कार्ड भी, तो इस तरीके से मैं फॉर एवर कर लूंगी. एंड जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है एंड इट विल, देखिए साइज चेंज कलर. लेकिन हमें अगर देखिए अगर मैंने कलर का ऊपर रखा तो फॉर एवर में क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ ये मैंने इसलिए लिया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. अगर ये फॉर एवर मैंने यही इंस्ट्रक्शन दिया तो सिर्फ वो कलर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि कलर चेंज को हमने फॉर एवर में नहीं यूज कर रहे हैं, चेंज बाय साइज में ही रखा. तो सिर्फ साइज चेंज, क्योंकि जो आप इसको इंस्ट्रक्शन दोगे वही ये स्क्रिप्ट एरिया में प्ले करेगा. तो मैं चाहती हूँ कि ये जो है, अब जैसे कि इसमें और भी है यूज वो हम देखेंगे, पहले मैं इसको डिलीट कर देती हूँ एंड आई विल शो यू. तो मुझे फॉर एवर का लेना है एंड मैं चाहती हूँ लुक्स में जाना है मुझे लेफ्ट साइड से, चेंज द कलर. तो मैं चाहती हूँ फॉर एवर का कलर चेंज होता जाए. देखिए मैं आपको एक एक चीज से बता रही हूँ कि बाद में एक बार इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, तो अभी आपको फिर समझ में आ जाएगा कि क्या यूज है. पर मैंने इसको फॉर एवर में क्या ऑप्शन दिया कि इसे आपको चेंज, वो चेंज ही करेगा जो इंस्ट्रक्शन उसको मिल रहा है. अब मैं चाहती हूँ उसका चेंज साइज भी हो और फिर साइज नॉर्मल भी हो जाए, तो हम लोग को इस तरीके से डालना है. नाउ सी द डिफरेंस, वो कलर चेंज भी हो रहा है, साइज इंक्रीज लिटिल बिट डिक्रीज. अगर आपको साइज बड़ा ज्यादा छोटा भी करना है वो भी कर सकते हैं. जैसे कि अब मैं इधर साइज थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ कि आप पहले थोड़ा बहुत बड़ा जाओगे और -10 पे, तो देखिए साइज बाय 20 हो रहा है, ठीक है, और बढ़ता जा रहा है वो एंड कलर इफेक्ट भी चेंज होता जा रहा है. ओके सो दिस इज योर फर्स्ट इन इट. सो अब हम चाहते हैं, क्योंकि मैंने -20 नहीं दिया है इसलिए वो साइज बड़ा होता चला गया. और इसने अब यहाँ पर देखिए अब जैसे मैंने इसको -20 बोल दिया है तो इट विल साइज छोटा होता जाएगा, गो बैक लिट विल स्लोली स्लोली, क्योंकि मैंने स्लो में दिया है उसको. अगर मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा स्पीड में ज्यादा जल्दी छोटा हो तो हम ये ऐसे देंगे तो इट विल चेंज. देखिए एंड आई वॉन्ट टू स्टॉप दिस. सो अंडरस्टैंड हो गया ये, मैंने पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया था, फिर उसके बाद हम कि सबसे पहले कलर इफेक्ट चेंज करना है, साइज चेंज करना है एंड मुझे उसको वेट का ऑप्शन देना है कि आप कलर चेंज करोगे एंड चेंज योर साइज, वेट करके आपको वही साइज में आना है. तो अभी हम सिंपली 10 वाले स्टेप में देखेंगे, सो डेट हम एक जैसे लेटर चाहते हैं. तो और यहाँ पर भी ऑप्शन है, अगर आपको बहुत छोटा भी लग रहा है साइज, तो अभी मैंने आपको दिखाने के लिए किया था इसलिए साइज उसका ज्यादा छोटा चले गया. तो मैं चाहती हूँ 100 रहे, 100 में इंक्रीज एंड डिक्रीज हो. सो आई विल क्लिक, वंस अगेन विल क्लिक फॉर यू. नाउ यू कैन सी, सो यू कैन सी द कलर गेटिंग चेंज एंड दिस इज हैपनिंग. और ये साइज चेंज करेगा और साइज वही वापस आ जाएगा, तो इट विल बी शो इन दिस वे. वो 1 सेकेंड के बाद साइज जो बड़ा आ रहा है वो कम हो रहा है, वो हिलता रहेगा. तो हमने बेसिकली उसके लिए दिया था इसको, हमने प्लान किया था साइज बड़ा हो जाए और फिर नॉर्मल होके वही कलर शेड्स कंटिन्यू चले. तो हमें फॉर एवर ये लूप यूज करना है. अगर हम कंटिन्यू, अगर हम नहीं देंगे इसको फॉर एवर को तो ये कंटिन्यू में नहीं करेगा. जब आप एक स्टोरी प्ले करेंगे उससे से प्ले वन टाइम प्ले करेगा, फिर अगेन कि आगे की स्टोरी चलती जाएगी, फिर ये ही नहीं प्ले करेगा. ओके अभी इसके बाद हमें चाहिए लेटर दूसरा, तो हम दूसरा लेटर ले लेते हैं. अभी आपको समझ में आ गया है कि कैसे लेटर यूज करना है, तो अब मैं सब लेटर्स ले लेती हूँ.
और एक तरीके जैसे एक एक लेटर के हम स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, पर मैं चाहती हूँ पहले मैं हैप्पी पूरा ले लूँ बिकॉज ये ऑलरेडी डिसाइडेड है. तो आई विल टेक पी. और देखिए और एक शॉर्टकट, अब मैं वापस चूज स्प्राइट में जाने से अच्छा मैं यहाँ से इसको डुप्लीकेट दे दूंगी, क्योंकि हमारे हैप्पी में डबल पी आता है. मैंने इसे चूज कर लिया है, फिर मैं चूज अ स्प्राइट में जाके लेटर में जाऊंगी और वाई एक ऑप्शन आप सर्च में भी जा सकते हैं. ये मैं एक्चुअली मैं अंदर इसलिए जा रही हूँ कि आपको फोल्डर्स नेम की हैबिट हो जाए एंड फिर स्लोली स्लोली सब याद भी करना है हमें कैसे. इससे मैं इन डेप्थ में जा रही हूँ सो दैट, और मैं एक एक चीज इसलिए आपको समझा रही हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए कि कैसे स्क्रिप्टिंग करने की क्या डिफरेंस दिख रहा है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए. अब जैसे कि मैं चाहती हूँ मेरे हैप्पी का यही, क्योंकि सबसे पहला इनिशियल है हम लोग, तो हम पहले यही चीज को परफेक्ट बिठाएंगे. हमें कलर दिमाग में भी याद रखना है कि पर्पल में हमें चेंज साइज, चेंज कलर एंड चेंज इंक्रीज एंड डिक्रीज हमें कैसे करना है, फॉर एवर लूप का क्या यूज, और वेन ग्रीन फ्लैग क्लिक तो क्या होगा. तो हम आज यही सिर्फ हैप्पी में यही सेटअप देंगे एंड क्योंकि हमें ये पहले क्लियर होने के बाद हम नेक्स्ट जाएंगे एनिमेटेड स्टोरी की तरफ. सो अब हम ये बना चुके हैं. अब मैं चाहती हूँ एक अब ये स्क्रिप्टिंग मैंने एच पे क्लिक किया है स्प्राइट पे, तो वो इसकी स्क्रिप्टिंग बता रहा है कि मैंने क्या किया है. अब मैं चाहती हूँ ए का मैं चाहती हूँ कि कलर यही रहे एंड अब मैं इसमें कलर चेंज नहीं करूंगी. तो सबसे पहले हमें यूज टू बनाना है कि वेन ग्रीन फ्लैग क्लिक ये हमारा होना ही चाहिए. ओके उसके बाद आई विल चूज कंट्रोल, क्योंकि ये हमारे यूज होने वाला है, इसको मैं साइड में लेके रख लेती हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि जो एच में यूज किया हमने वही. जैसे मैं इसमें चाहती हूँ ए का साइज चेंज हो, कलर नहीं, क्योंकि एक कलर में यही रखना चाहती हूँ कि ताकि कलर नहीं चेंज करे तो कैसा देखेगा वो भी हमें देखना है. बाकी सब में हम सेटअप करेंगे. तो मैं जाऊंगी आई विल गो टू लुक्स, मुझे इसके लुक्स में जाना है. हमें जाना है लेफ्ट साइड में लुक्स में, साइज इंक्रीज, और इसी का मैं यहां से डुप्लीकेट लिखती हूँ. ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है और मैं इसका वो हिलते हुए दिखना चाहिए, इसके लिए मैं इसको यहाँ पर ये ले रही हूँ. अब मैं इसको साइज मैंने इंस्ट्रक्शन दिए कि एक साइज बड़ा हो, और मैं चाहती हूँ कि फिर एक सेकंड बाद वो साइज अपने नॉर्मल, और मैं चाहती हूँ कंटिन्यू होता जाए. मैंने यहाँ कलर चेंज ऑप्शन नहीं लिया है, ये चीज आपको अंडरस्टैंड करना, मैंने कलर चेंज यहाँ नहीं लिया. तो ना यू सी मेरा ए कैसे होगा, वो कलर चेंज नहीं करेगा, इट विल सिंपली हिलता जाएगा, ऐसा दिखना चाहिए कि वो हिल रहा है. तो मेरा वही पर्पस था इसको यहाँ पर यूज करने का. अब मैं स्टॉप कर रही हूँ, हमें ये थीम है, मैं यहाँ कलर चेंज नहीं ले रही हूँ और बाकी सब में हम लेंगे क्योंकि मुझे एक कलर यही चाहिए कंटिन्यू में. सो आई वॉन्ट नाउ पी. अगर आपको कलर चेंज करना है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ डिफरेंस दिखा रही हूँ. अगर नहीं लेंगे तो इस तरीके से वो हिलता हुआ नजर आएगा. अब मैं ले रही हूँ पी. अब पी को हमने चूज किया है, तो अब मैं मेरा ऑलरेडी यहाँ पर लुक्स में ही है पर्पल में, तो आई विल टेक चेंज बाय साइज, उसको मैं डुप्लीकेट ले लूंगी. और मुझे कलर चेंज करना है तो यहाँ पर ही मिलेगा चेंज द कलर इफेक्ट, और मैं चाहती हूँ ये थोड़ा स्पीड में कलर चेंज हो. हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें डिफरेंस थोड़ा समझे, वैसे मेजर डिफरेंट नहीं है यहाँ पर, 40 कर लेती हूँ. एंड अब मैं जाऊँगी इवेंट, इवेंट में फ्लैग मुझे लेना है एंड आई विल गिव कंट्रोल कि वेट करना है आपको एंड फॉर एवर. सो ये तो हमारा है ही एफिक्स, फॉर एवर यूज करना है कार्ड में. एंड आई वॉन्ट कि ये दोनों के बीच में वेट ऑप्शन हो. चेंज कलर बाय साइज, इसको माइनस में, तो आफ्टर हुए साइज में हिलता जाए, मतलब सो नाउ सी. ओके एंड इफ आई स्टॉप, ये स्टॉप हो जाएगा. अगर मैं यहाँ पर नहीं क्लिक करके ग्रीन फ्लैग दूंगी तो इस तरीके से देखो यहाँ पर दिया. अब ये वाला पी हमने बाद में लिया तो इसको यहाँ कर लेते हैं. एंड अब हम इस पी को करना है, अब इस पी को भी वही सेटअप करना है. हमने वेट ऑप्शन यूज कर लेना है, फॉर एवर यूज करना है, ये हमारे स्क्रिप्टिंग में हमारा ब्लॉक यूज होने वाला है. मुझे इसका लुक्स चेंज करना है, तो मैं लुक्स में चेंज बाय साइज लेने वाली हूँ. उसके बाद मुझे कलर चेंज करना है, यस इसमें
मुझे कलर चेंज भी करना है इसमें कंटिन्यू, और अब मैंने क्या बताया था, कंट्रोल ऑप्शन में जाना है और कंट्रोल में फॉरएवर ले लिया, अब हमने कंट्रोल ले लिया है, अब हमने इवेंट लेना है क्योंकि व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक तो पिक्चर सेटअप हो जाए। अब मैं चाहती हूँ कि फॉरएवर मैंने यहाँ पर इसको ब्लॉक में लगा दिया है, अब आई वांट टू चेंज द कलर और साइज के लिए सिंपली डुप्लीकेट एंड यहाँ पर रख दूंगी। देखिए जैसे मैंने उसने इंस्ट्रक्शन ले लिया है एंड आई वांट, सो उसने इंस्ट्रक्शन फॉलो कर दिया है, इसलिए ग्रीन फ्लैग बाद में यूज करना। अभी आपको मान पड़ा, ग्रीन फ्लैग पे मैं क्लिक करती जाऊंगी तो वो अपना इंस्ट्रक्शन फॉलो करने लग जाएगा। ये इसलिए कर रही सो डैट यू अंडरस्टैंड कि अगर आप फ्लैग इंस्ट्रक्शन दे देंगे तो क्या क्या हो जाएगा, तो वो अपना परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। मैं चाहती हूँ साइज तो यहाँ पर -10, अगर मैं क्लिक कर लूंगी तो इट विल स्टार्ट परफॉर्म। तो मैं जैसे अब देखिए मैं रीजन बताती हूँ कि मैं इफेक्ट क्यों डिफरेंट दे रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने 25 सब में डाला तो वो सेम कलर ही प्ले करेगा एट अ टाइम, क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन ही 25 स्पीड में दिए तो ये कलर। अब मैं जिसका स्पीड थोड़ा, अभी जैसे मैंने उसका 40 लिया, मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा ले लेती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि ये तीनों का कलर एक साथ सेम कलर प्ले हो, डिफरेंट डिफरेंट चलते जाए। जैसे ये कलर तो मैंने फिक्स रखा है, बाकी तीनों का कलर देखिए आगे पीछे हो रहा है। तो अभी से आप समझ रहे चेंज कलर इफेक्ट बाय में मैं चेंज क्यों कर रही हूँ नंबर्स, क्योंकि सो डेट अगर मैंने 25 25 25 सब में दे दिया तो इट विल प्ले द सेम कलर एट अ टाइम, मतलब इंस्ट्रक्शन लेगा बट कलर सेम, अगर द ग्रीन है तो सब में ग्रीन कलर चल रहा है, वो भी आप ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मुझे पर्टिकुलर रेड कलर ही दिखाना है तो वो है कि आपका इफेक्ट कलर सेम रखिए एंड यू कैन चूज अकॉर्डिंग, तो एक साथ ही वो रेड रेड में आएगा। बट मैं वो इसलिए बता रही हूँ कि दोनों चीज हमें अंडरस्टैंड करने हैं यहाँ पर। तो जैसे देखिए मैंने एच ए पी पी में देखी है कलर आगे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि मैंने इफेक्ट जो है साइज नंबर्स में डिफरेंट दिया है। आई वांट टू स्टॉप, अब मैं वाई को कंप्लीट करूंगी, यहाँ पर जाके आई विल गो टू वाई एंड उसका साइज ज्यादा है तो उसको मैं पहले नॉर्मली एक स्टैंडर्ड साइज में रखती हूँ सो डैट हमें इसे टू अंडरस्टैंड हो। ओके नाउ गोइंग टू द पी, तो पहले हम व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक तो ये होना चाहिए। आई वांट कंट्रोल ले लेती हूँ, वेट टाइम का ऑप्शन यूज करना है, फॉरएवर हमें यूज करना है जब मैं ग्रीन फ्लैग। अब मैं लुक्स, मुझे कलर चेंज करना है, ये सब कहाँ मिल रहे हैं जूनियर्स, मुझे लेफ्ट साइड में, राइट। तो लेफ्ट साइड में मुझे कलर चेंज और साइज लेना है, तो आई कैन गो फॉर इट एंड आई वांट टू चेंज द साइज। मैं इस पे क्लिक करके डुप्लीकेट ले लूंगी एंड एक मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी जो हिलाना है, मुझे ऐसे दिखाना है कि वो हिल रहा है, सो इट विल बी शो लाइक दिस। अब मैं चाहती हूँ कलर इफेक्ट चेंज हो तो आई विल पुट हियर, फिर साइज, फिर वेट, जब तक क्लिक नहीं करूंगी तब तक यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं होगा। एंड चेंज द साइज बाय इंस्टेंट एंड आई वांट टू गिव इफेक्ट, अभी मुझे 80 देना है एंड सी। अब मैंने सिंपली इस पे क्लिक किया ताकि मुझे वाई का डिफरेंट देखना है, बाद में प्ले करके हम सबका देखेंगे। अभी सिर्फ मुझे वाई में देखिए अभी स्पीड में कलर चेंज हो रहा है। ओके तो मैंने इसके लिए सिर्फ इसको पर्टिकुलर दिया है सो डैट हमें एक साथ जब देखना होगा विल सी एट दैट टाइम। ओके सो अब हम बर्थडे को क्लू, अब मैं ये आपको मैंने सिखा दिया फर्स्ट स्टेज पे कि हमें कैसे साइज को एक चेंज करना है, फिर वन सेकंड में वो साइज में आना है उसको, और मैं कैसे कंटिन्यू में दिखा सकती हूँ वो हमने एक फाइनलाइज कर दिया। अब हम आएंगे इसके बर्थडे में, तो मैं वापस चूज अ स्प्राइट राइट साइड में जाऊंगी और मैं लेटर्स लूंगी, तो मैं पूरा एक साथ ले लेती हूँ सो डैट हमको फिर। ओके आई डू वन थिंग, आपको ये तो पता चल गया, मैं आपको ग्लो वाले में लेके जाती हूँ, और भी नीचे लेटर्स में अलग है हम वो इंसर्ट करते हैं, जैसे कि ये ग्लो वाला लेते हैं, इसमें क्या डिफरेंट दिखेगा दिखता है तो हम ये लेते हैं, क्योंकि इसका तो हमने लेटर यूज कर लिया, अब हम डिफरेंट लेटर्स लेते हैं, हम डिफरेंट लेंगे सो दैट विल फाइंड इंटरेस्टिंग। एंड अगर आपको उसमें और भी ऑप्शन है, अगर आपको वो लेना है
सो जैसे कि नीचे ये भी वाले हैं तो आप ये भी ले सकते हैं। ओके सो जूनियर्स देख लीजिए मैं कहाँ से ले रही हूँ, राइट साइड में जाके लेटर में जाना है यहाँ पर। अगर ये कलर भी चाहिए, ओके मुझे ये कलर नहीं लेना है, सो आई विल डिलीट अगेन। मुझे ये वाला लेना है, ग्लो ही लेते हैं हम इसमें कुछ एक ही सिंपल। ओके तो मैं यही सेटअप में रहती हूँ पूरा और इस तरीके से। ओके अगेन आई एम गोइंग टू द लेफ्ट साइड, आई एम चूजिंग द लेटर। अब मुझे ये लेना है, वो भी ये ग्लो वाला ऑप्शन चाहिए मुझे यहाँ पर। तो मैं सिंपली जा रही हूँ, तो मैं किस में जा रही हूँ, राइट साइड में चूज अ स्प्राइट में जा रही हूँ, लेटर्स ले रही हूँ और उसमें अपने चॉइस के लेटर्स जो मैंने ऑलरेडी फाइनल किए हैं आई एम गोइंग टू टेक दिस। सो अभी हम इसमें ग्लो डालेंगे और सब में थीम सेम रहेगी, सो डेट हमें हर एक ब्लॉक के डिस्क्रिप्शन समझ में आएंगे किसका कैसे यूज है। सो अगेन आई एम गोइंग टू टेक एंड नाउ आई विल चूज वाई एंड इज कम्प्लीट बच्चे का। ओके अभी मैं चाहती हूँ कि जब ये बर्थडे का जब प्ले हो तो सिर्फ ग्लो आना चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू ग्लो। तो इफेक्ट कलर ही देना है इसमें, हमने साइज इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया क्योंकि वो हमने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया है कैसे मतलब वो हिलते हुए दिखाना। अब हम इसमें सिर्फ ग्लो जैसे लाइटिंग होती ना पार्टी में, हम उसको सिर्फ वही थीम देंगे। सो विल फाइंड मोर, तो पहले मैं बी में जाती हूँ। आई विल फर्स्ट क्या लेना है, कंट्रोल में जाना है एंड वेट ऑप्शन देना है हमको। फिर मैं लुक्स में जाऊंगी एंड आई वॉन्ट टू चेंज द इफेक्ट कलर। देखिए सो आई जस्ट वॉन्ट कि यही ठीक है। इस पर हम एक काम करते हैं, वेट का ऑप्शन नहीं लेते, सिर्फ चेंज कलर इफेक्ट दिखाएंगे कंटिन्यू। क्योंकि सिंपली आप पहले यही सेटअप अंडरस्टैंड कर लीजिए अभी। तो हम पहले चेंज द कलर इफेक्ट में जाएंगे एंड वंस आई चूज दिस देन आई गो टू इवेंट में, व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक तो ये होना चाहिए और फॉरएवर होना चाहिए। तो वो मेरा पर्पल्स में, हमें इसमें से चेंज इफेक्ट हमने ले लिया है। अब हम जाएंगे कंट्रोल में, कंट्रोल में फॉर एवर ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे एंड आई विल चूज वन। सो देखिए तो सिंपली ग्लो होता जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ कि कोई डिफरेंट डिफरेंट कलर, जैसे मैंने बताया कि मैंने यहाँ इफेक्ट्स के नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट दिए थे, सो डेट डिफरेंट, वो भी आप ले सकते हैं। अभी मैं फिलहाल सब में ये कॉमन रख रही हूँ क्योंकि आज फर्स्ट डे हम यही देखेंगे। तो मैं कंट्रोल में जा रही हूँ, फॉर एवर लुक्स में जाके मुझे चेंज कलर इफेक्ट लेना है वो, और इम्पॉर्टेंट इवेंट में जाके व्हेन ग्रीन फ्लैग तो वो प्ले करेगा। जस्ट आई एम स्टॉपिंग एंड आई एम पुटिंग इन एवरी, वापस मैं आपके लिए सब कर रही हूँ सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड। व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, उसके बाद हमें लुक्स में कलर जाके चेंज करना है और आई विल चेंज द कलर आई वॉन्ट दिस forever। so हमें किस में आना है, कंट्रोल में मिलेगा, so it will change the color। so देखिए ये सिंपली इस तरीके से करते जाना है। ये मैंने आपको दो तीन स्टेप्स इसलिए बताए सो डेट आपको याद हो जाए कि पहले हमें कैसे लुक्स में जाके क्या लेना है, कंट्रोल और इवेंट। इवेंट एंड कंट्रोल ये आपके रेगुलर यूज में होंगे, बाकी कमांड्स आपके साउंड। अब जैसे मुझे एक म्यूजिक भी देना है तो आई विल चूज केक, और केक में हम साउंड जो है वो अब चॉइस कर लेते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ये बर्थडे हो तो इवेंट, सो इस तरीके से। तो देखिए म्यूजिक बचेगा, तो अभी समझ चुके हमने कैसे बनाया। तो इस तरीके से हम यूज करते जाएंगे तो हमारा प्रोजेक्ट बनेगा और पूरा जब आपका ये हो जाएगा जैसे प्रोजेक्ट, अभी इस तरीके से हमें प्रोजेक्ट सेव करना है। अब जैसे ही आपका ये हो जाएगा तो आपका इस तरीके से कार्ड बनेगा। यही आपको इंस्ट्रक्शन ब्लॉक यूज करने हैं एंड आपका इस तरीके से कार्ड बन जाएगा। एंड जस्ट शो यू इन स्क्रीन, जैसे मैंने ग्लो मैंने आपको दिया बताया था, सो ग्लो कैसे लेना है
कैसे, इसे मैं दो तीन आपको वापस रिपीट करके बताया स्टेप। तो जब आपका कार्ड बन जाएगा तो ये आपका बन जाएगा हैप्पी बर्थडे का कार्ड। आई होप यू लाइक इट एंड विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इज अबाउट एनिमेटेड स्टोरी। एक शॉर्ट स्टोरी प्ले करेंगे एंड विल डू दैट ऑल्सो।